हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक नए व्लॉग के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार, आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा होगा, कल थी मेरी बर्थडे। तो मैंने आपको कहा था कल आप लोगों को एक सरप्राइज दूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना स्प्रेडिंग व्हील खरीद लिया है। बाकी अभी इसको अनबॉक्सिंग भी कर लिया था, वो वीडियो बनाई थी लेकिन वीडियो सही नहीं बनी, जिसकी वजह से दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है। बाकी इसको जो दराज का गत्ता होता है उससे तो निकाल लिया था। तो यार अभी फिलहाल इसको अनबॉक्सिंग करने लगे, चलें कर लेते हैं इसको अनबॉक्सिंग। बहुत ही देख के करना पड़ेगा क्योंकि पैसा बहुत लग गया है पैसा। बाकी इसके लिए LCD तो मैं ले आया था, बाकी PC थोड़ा सा ख़राब है, उसको भी इंशाल्लाह कल जाएंगे ठीक करवा लेंगे। तो इसको यार मुझे लेने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ था लेकिन घर वाले मंगाने नहीं दे रहे थे, मगर बहुत मिन्नतें करने के बाद आखिर मैंने मंगवा ही लिया इसे। दिखने वाला है आपको स्टीयरिंग व्हील। ये आ चुका है हमारा PX NV9, मैंने मंगवाया है गेमिंग रेसिंग व्हील। इसको निकाल लेते अंदर से। इसको अभी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें, फिर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपना कंप्यूटर भी ठीक करवा के, कंप्यूटर ठीक तो करवा लिया, उसमें बस रैम है जो 1 GB लगी हुई है और रैम में लेके आनी है ताकि उसकी रैम बढ़ा सकें। फिर उसमें इंशाल्लाह आपको मज़े मज़े की गेमें मिलेंगी। तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया था, फिर मैंने बंद करके इसको रख दिया हुआ है। तो पहले तो इसमें एक किताब है जिसमें बताते हैं सारा कि क्या क्या कैसे होता है। उसके बाद ये आ गया स्प्रेइंग व्हील, ये PX NV9 है। PX NV9 रात से मैंने ये ऑर्डर किया था। ये सबसे पहले तो हमारे पास आ गया स्ट्रेइंग व्हील, मैन पे ऑप्शन दिए हुए। तो इसमें यार हमें पेडल शिफ्टर भी दिए हुए और बाकी इसमें पीछे जगह दी हुई है गियर शिफ्टर का कुछ लगाने के लिए, और पैंडल जो होते हैं इसके उसके कुछ लगाने के लिए, बाकी एक हेडफोन लगाने के लिए, और बाकी अगर आप PS5 या Xbox सीरीज के साथ कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए जगह दी हुई है। बाकी दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ये स्टैंड आ जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये स्टेयरिंग व्हील के नीचे लगेंगे। बाकी इसको चिपकाने वाले टेबल या शीशे के साथ चिपकाने के लिए जो रबड़ होते हैं वो भी दिए हैं। इसके साथ स्टैंड भी है और रबड़ भी है चिपकाने वाले। और बाकी इसके साथ 2 केबल्स भी दी हुई हैं ताकि अगर Xbox या PS के साथ कनेक्ट करना चाहें तो इनके जरिए होगी। तो बाकी ये आ गया हमारा गियर शिफ्टर।
ये हमारा गियर शिफ्टर आ गया है, नॉर्मल गियर शिफ्टर है। आगे इसमें बटन दिए हुए हैं लो हाई के और पार्किंग लाइट के। और इसका जो स्टैंड है वो इसके साथ ही लगा हुआ है, फिक्स है नटों के साथ। बाकी इसमें ये दो कार्ड है, इसमें पता नहीं क्या चाइनीज लिखी है, कुछ समझ नहीं आता। बाकी डब्बे के नीचे गत्ता लगा हुआ है, उसके नीचे है पेडल। ये हमारे पास आ गए हैं पेडल, ये हमारे पास आ गए पेडल नॉर्मल। मेरा गियर वाला है, स्टीयरिंग व्हील ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, इसलिए इसमें ब्रेक क्लच और रेस दी हुई है। और बाकी ये जो पेडल की और गियर शिफ्टर की जो तारें हैं ये स्टीयरिंग व्हील के पीछे ही लग जाती हैं, एक इसमें अच्छी बात है, वरना अलग जोड़ने के लिए फिर पीसी में ये नहीं चलते। बाकी डब्बे में और कुछ भी नहीं है, डब्बा खाली हो चुका है। और आप लोगों को मैं अपना पीसी सेटअप भी दिखाता हूँ, पीसी सेटअप भी मैंने किया है अपना, तो बाद में रह देते हैं, बाद में उठाएंगे। तो यार ये रहा मेरा पीसी सेटअप, पीसी है मेरे पास, ये पीसी है तो छोटा सा, अभी हम इसमें छोटी गेमें चलाएंगे। ये कोड 2 है, इसमें अभी हम छोटी गेमें चलाएंगे इंशाल्लाह, फिर जब यूट्यूब पे हम ग्रो करेंगे तो फिर अच्छा पीसी भी ले लेंगे। बाकी जो पीसी का है सीन वो मैं पता करके आया था, पीसी के रेट सारे पता करके आया था, गेमिंग पीसी के, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा पीसी। और बाकी हमारे पास है LCD, बाकी कीबोर्ड जो होता है नॉर्मल, और ये रहे हमारे पास स्टीयरिंग व्हील। तो इंशाल्लाह यार आप लोगों के पास बहुत जल्द मज़े मज़े की बड़े टाइट टाइट सी गेमों की वीडियो आने वाली हैं। तो आप मेरे चैनल को इसी चैनल पे आएंगे, आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शुक्रिया। तो अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह कल आपको एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।